लास्ट है हमारा व्यू टैब। आज हम इसका यूज़ सीखेंगे। इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट शो करता है, वो प्रिंट लेआउट के फॉर्मेट में हम इसे देखते हैं। ये हमारा प्रिंट लेआउट है। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा पेज शो करेगा। अगर और भी पेज होते तो हम यहाँ से नेक्स्ट करके उसे देख सकते थे और यहाँ से प्रीवियस कर सकते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम हमारा केवल एक ही पेज है। अगर हमें ये क्लोज़ करना होगा, ये राइट साइड देखिए क्लोज़ का ऑप्शन है, हम क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वेब लेआउट। जब वेब लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए नेट पे हमारा पेज कैसा शो करेगा, इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट पे अगर हम इंटरनेट पे अपना पेज डाउन अपलोड करेंगे तो इस टाइप से हमारा पेज शो करेगा। वापस प्रिंट लेआउट पे कर देते हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन। इसके लिए हम दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। व्यू टैब पे आए, ये है हमारा आउटलाइन। जब आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबके आगे पॉइंट्स का साइन बन के आ गया है। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई जैसे डे में संडे मंडे ट्यूसडे हैं, हमने तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, या आप एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में है, इसे लेवल 2 में हमने दे दिया। ये देखिए डे के अंदर ही तीनों आ गए, संडे मंडे ट्यूसडे। डे को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लेवल 1 में दे देते हैं। ये मंथ हमने सेलेक्ट किया, इसको भी लेवल 1 कर दिया हमने। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम लेवल 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर आ गया मंथ के अंदर। अब वापस हम चाहें तो इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, केवल मंथ शो करेगा। डे को भी हमने देखिए मिनिमाइज़ कर दिया, इसमें केवल डे शो करेगा। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डे शो कर देगा। मंथ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने मंथ सेव करके रखे वो शो करेगा। हम इसके अंदर चाहें तो और भी लेवलिंग कर सकते हैं, जैसा हमें करना होगा। शो ऑल लेवल्स, अभी तो वैसे भी शो ऑल लेवल्स है, हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। शो ऑल लेवल्स, ये देखो यहाँ से सारे लेवल शो करता है। अगर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी, हमें फॉर्मेटिंग देखनी होगी, हम यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी देख सकते हैं। अगर शो फर्स्ट लाइन करना होगा, केवल फर्स्ट लाइन शो करेगा जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा। अगर हमें क्लोज़ करना होगा, हम क्लोज़ आउटलाइन व्यू यहाँ से एक्टिव कर देंगे। वापस अपने पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट। अगर हमें ड्राफ्ट के फॉर्मेट में देखना होगा, ये देखिए ड्राफ्ट के फॉर्मेट में कितना साइज़ इसका छोटा है, आप इसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने भी साइज़ में आपको देखना होगा। हम प्रिंट लेआउट पे एक्टिव रखते हैं। नेक्स्ट है रूलर। अगर हमने रूलर एक्टिव कर दिया है, ये देखिए हमारे पेज का मार्जिन सेट करता है कि हमें ये जो हमारा लेफ्ट इंडेंट है कि कितनी जगह लेफ्ट से छोड़े, हम इसे चाहे तो और सेट कर सकते हैं। जहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे हमारा कर्सर वहीं से आएगा। देखिए अब हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर हम इसको पीछे चाहें भी तो ये पीछे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा रूलर यहाँ से सेट है। हम इसे वापस अपनी पोजीशन पर सेट कर देंगे। अब हमारा कर्सर ऑटोमेटिक देखिए पहले आ गया है। ये देखिए लेफ्ट साइड से भी हमारा रूलर शो करता है। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करी है, अगर हमें उस पर ग्रिड लाइंस लगानी है, तो हम उसे यहाँ पे ग्रिड लाइंस यहाँ से शो करा सकते हैं। हमारा टेक्स्ट इमेज यहाँ से ग्रिड लाइंस पे शो करेगा। नेक्स्ट है नेविगेशन। ग्रिड लाइंस हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन पेन। ये हमारा देखिए साइड में जो भी वर्किंग होगी नेविगेशन पेन पे शो करेगा। अगर आपको इसे हटाना है, आप यहाँ से हटा सकते हैं, और अगर वापस एक्टिव करना है, यहाँ से आप एक्टिव कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जूम। अगर आपको अपना पेज जूम करना है, नॉर्मल 100% पे एक्टिव रहता है, आप यहाँ से भी इसे देख लीजिए, 100% एक्टिव है। आप अपने पेज को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसे 100% पे भी रख सकते हैं। और यहाँ जूम पे जाकर आपको अगर 200 करना है, इसे क्लिक करिए, ओके करिए, ये देखिए जूम हो गया। अब इसे हमें अप डाउन करके देखना पड़ेगा और लेफ़्ट राइट करके देखना पड़ेगा। 200 में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम 75% करेंगे और ओके करेंगे,
इसका साइज़ देखिए काफ़ी छोटा हो गया है। इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखिए शो करता रहेगा। अगर पेज की विड्थ आपको बढ़ानी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पेज की विड्थ बढ़ गई है। ये नेक्स्ट है हमारा मैनी पेजेस। अगर आपको एक साथ कई पेज देखने हैं तो बस आप देखिए सिंपल सा ड्रैग कर रहे हैं, हमने जितने ड्रैग किए हैं इसे हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम हमारा एक ही पेज है, अगर और पेज होते तो यहाँ पे हमारा शो कर देता। इसको वापस 100% करते हैं, एक पेज हम और इंसर्ट कर लेते हैं। पहले पेज लेआउट पे आए, ब्रेक्स पे आए, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमें अपना टेक्स्ट वन पेज में देखना है, जो कि अभी वन पेज पे है, हमने वन पेज पे कर दिया। अगर आप टू पेज में करेंगे एक साथ, देखिए दो पेज ओपन हो रहा है। अगर आपको पेज की विड्थ देखनी है तो विड्थ वाइज ही शो करेगा। इसको नॉर्मल 100% हम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू विंडो। अगर हमें अपना टेक्स्ट न्यू विंडो पे ओपन करना है, ये देखिए अभी डॉक्यूमेंट वन था, डॉक्यूमेंट 1.2 शो कर रहा है यहाँ पे। एक साथ देखिए दो विंडो शो कर रहा है, एक ये वन हमारी ओपन थी और ये टू ओपन हो गई है 1.2। व्यू पे आए, अगर हम फिर से यहाँ न्यू विंडो करेंगे तो देखिए 1.3 थर्ड विंडो ओपन हो गई। एक साथ आप देखिए तीन विंडो शो कर रहा है, 1, 2, 3। अगर अरेंज ऑल हम कर रहे हैं तो देखिए एक साइड एक साथ तीन विंडो ओपन हो गई हैं। पहले ये थर्ड वाली क्लोज कर देते हैं जो कि हमारी ये है। अब ये देखिए अरेंज ऑल अगर हम कर देते हैं तो ये हमारी दूसरी विंडो है 1.2 और ये 1.1। अब जिस पे हमें वर्क करना होगा हम उस पे वर्क कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रॉल बार है, पूरा पेज देख सकते हैं यहाँ से। और ये हमारी जो 1.2 है दूसरी विंडो, इस पे वर्क कर सकते हैं यहाँ से। ये जो ऑप्शन हमारा है व्यू साइड बाय साइड, ये दोनों विंडो को एक साथ देखिए इस टाइप से शो कराएगा। अगर आपको वर्क करना है आप स्क्रॉल कर दीजिए अपने पेज को, ये आपका टेक्स्ट इस पे शो करेगा, ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे इसमें शो करेगा। इसमें भी नेविगेशन, अगर नेविगेशन आप चाहें तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला डॉक्यूमेंट शो करेगा। अब दोनों पे आप बड़े इजीली एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। एक हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल और इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है। सबसे पहले हम एक पेज अपना डिलीट कर देते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट। अगर हमें अपनी विंडो स्प्लिट करनी है, ये देखिए 0.1 के आ रहा है लाइन, जहाँ से आपको स्प्लिट करनी हो वहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, अब देखिए दो पार्ट में हो गई। इतना टेक्स्ट हमारे दूसरी डॉक्यूमेंट पे हो गया और इतना हमारा दूसरे पे हो गया। अब दोनों पे आप अलग अलग वर्क कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विच विंडो। अभी फ़िलहाल एक विंडो है, हम न्यू विंडो यहाँ से ओपन करते हैं। अब देखिए 1.2, अब दो विंडो हमारी वैसे क्रिएट हैं। अब स्विच विंडो ऑप्शन है कि अगर आपको वन पे वर्क करना है, वन पे क्लिक किया, देखिए वन पे आ गए, स्विच विंडो पे गए, 1.2 पे अगर क्लिक किया तो दूसरी विंडो पे हम वापस आ गए। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोज। माइक्रोज पे आए, रिकॉर्ड माइक्रो। माइक्रो अगर आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कि अगर आपने माइक्रो यहाँ से ऑन कर दिया, उसके बाद जितना भी टाइप आप करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा और फिर माइक्रो आप स्टॉप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब माइक्रो आप रन कराएंगे तो जितना भी माइक्रो में रिकॉर्ड होगा वो सब आपका टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम रिकॉर्ड माइक्रो पे जाते हैं। अभी देखिए माइक्रो नेम कुछ भी मांग रहा है, आप कुछ भी दे दीजिए नेम, जैसे हमने एक ही दे दिया, ओके। अभी देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है।
अब जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पर गए, देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप किया। अब देखिए रिकॉर्डिंग का सिंबल जो था वो ऑफ हो गया है। अपना कर्सर आगे रखते हैं, माइक्रो पे आए, व्यू रिकॉर्ड। अब देखिए एक है, आप इसको रन करा दीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा माइक्रो जो हमने यहाँ पे टाइप किया था वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया है। माइक्रो पे आए, अगर व्यू माइक्रो आप कर रहे हैं तो जो भी माइक्रो है आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आपका आ जाएगा रिकॉर्ड होके जो भी आपने किया है। और यहाँ पे एडिटिंग अगर आपको करनी है तो इसके नेम एडिट भी हो सकता है, अगर नया क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए रिप्लेस का ऑप्शन इसे मांग रहा है। और अगर आपको डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि आपको जो ए के माइक्रो है डिलीट करना है, हमने येस किया, ये आपका डिलीट हो गया। अब देखिए प्रेजेंट टाइम कोई भी माइक्रो नहीं, हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ये हमारा था व्यू टैब। थैंक यू, बाय बाय।